आपके जेब में पैसा नहीं आएगा। और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी, वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, स्टेट से कहा कि किसानों को फायदा होगा, देश के सारे किसान सड़क पे आ गए। अगर किसानों के फायदे के कानून थे तो किसान सड़क पे क्यों उतरे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर किसान को मालूम था कि ये जो काले कानून हैं, ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद करने के कानून हैं। ये हमारा धन, हमारी मेहनत को छीनने के कानून है। और अच्छा हुआ कि किसानों ने ये कानून रुकवा दिए, हमने पार्लियामेंट में ये काम किया, कानून रुकवाए। यही इस सरकार का लक्ष्य है। जहां भी आपसे पैसा निकाल सकते हैं, ये छीन के निकालेंगे। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे, बड़ी स्पीच होगी, मगर अंत में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा, और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा, मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी, वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। मार्केटिंग उनकी वो करते हैं। मैंने इनको अपना दोस्त बोला, मीडिया के मित्र हैं हमारे, ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं।